जब एक सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो जाती है तो उसका क्या किया जाता है? क्या उसको ऐसे ही धरती के चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया जाता है या उसे एलियन लेकर चले जाते हैं? आइए जानते हैं। देखिए, अगर वो एक छोटी सैटेलाइट है और धरती के काफी करीब है तो ऐसे में सबसे पहले उसकी स्पीड को कम किया जाता है जिससे वो धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जिसके बाद वो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से जलकर ऊपर ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर सैटेलाइट बड़ी होती है तो ऐसे में बड़े ध्यान से उसकी स्पीड को कम किया जाता है ताकि एटमॉस्फेयर में जलने के बाद जो बचे कुछ टुकड़े हों वो पैसिफिक ओशन के इस रिमोट एरिया में आकर गिर जाए, क्योंकि ये धरती पर इकलौता सैटेलाइट का ग्रेवयार्ड है। अब अगर सैटेलाइट काफी बड़ी है और धरती से भी काफी दूरी पर है तो ऐसे में सैटेलाइट को अर्थ तक लाने में बहुत ज्यादा फ्यूल बर्बाद हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसको थोड़ा और धक्का देकर दूसरे ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं, जिसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट भी कहा जाता है।